Hi friends, welcome to VVS Vlogs. I, vinnievaidsingh, make videos on skincare, makeup and DIYs. So in my mostly videos, I keep on talking about epilators. So आज की वीडियो में मैं एपिलेटर के बारे में बात करने वाली हूँ. मैं एपिलेटर कैसे करती हूँ और उसका एक्चुअल यूज़ क्या है वो सब दिखाने वाली हूँ. Epilators are these small at-home machines that use many tiny mechanical tweezers to pull out all the unwanted hair from the root. आप लोगों ने लाइफ में प्लकर तो यूज़ किया ही होगा, तो इसके अंदर ऐसे मैकेनिकल प्लकर, मैकेनिकल ट्वीज़र्स होते हैं जो रूट से बाल खींचते हैं और सारे जितने भी अनवांटेड हेयर होते हैं वो निकाल देते हैं. दिस पॉकेट साइज टूल इज माई फेवरेट एंड आई कैरीज इट एवरीवेयर. जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे को PCOD है. PCOD में एक सिम्टम होता है कि अनवांटेड हेयर की भी मुझे प्रॉब्लम है. मैं लेज़र भी उसके लिए करा चुकी हूँ बट मेरे लिए सक्सेसफुल नहीं थी. मुझे कभी वैक्सिंग करानी पड़ती थी, मुझे कभी शेव करना पड़ता था, बट दोनों ही मुझे सूट नहीं करते. दोनों से या तो मुझे एक्ने हो जाता था या कुछ इन्फेक्शन हो जाता था या दूसरी कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी. पर पिछले 4 साल से मैं एपिलेटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छा हैक है मेरे लिए, एक लाइफ सेवियर है मेरे लिए. बींग अ गर्ल, इट्स नॉट ईजी टू वॉक इन पब्लिक विद ऑल द हेयर ऑन योर फेस, सो एपिलेटर मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है. वैसे एपिलेटर बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप कर सकते हो हेयर को हटाने के लिए, पर मैं मोस्टली फेस पे ही करती हूँ और रेस्ट ऑफ द बॉडी पे मैं वैक्सिंग प्रेफर करती हूँ. एपिलेटर्स की जो कॉस्ट होती है वो 2000 से 8000 तक वेरी करती है. मेरे पास 2 टाइप के एपिलेटर हैं और मैं मोस्टली ये वाला एपिलेटर यूज़ करती हूँ. बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये काफ़ी महंगा है, बट पिछले 4 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. 2 बार मुझे इसका चार्जर चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है, बट और किसी भी स्टोर से आप इसका चार्जर ले सकते हो. 100-150 रुपये में मेरे को ये चार्जर मिल गया था और आज भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है. एपिलेटिंग प्रोसेस इज क्वाइट सिमिलर टू वैक्सिंग बिकॉज इट ऑल्सो रिमूव हेयर फ्रॉम रूट्स. द बेस्ट थिंग अबाउट एपिलेटर इज दैट द हेयर शुड बी 0.55 mm लॉन्ग एंड इन वैक्सिंग द हेयर शुड बी 0.2 mm लॉन्ग. एपिलेटर में जो हेयर लेंथ है वो 0.55 mm का हेयर हो तो उसको भी निकाल देता है, जबकि हमें वैक्सिंग में 0.22 mm का हेयर ही चाहिए होता तभी वैक्सिंग हो पाती है. Obviously this hurts a bit. जैसे वैक्सिंग करते हुए पेन होता है वैसे ही इसको करते हैं तो पेन होता है सेम, क्योंकि बाल जो है रूट से निकल रहा है, बट अनबेरेबल पेन नहीं है, आराम से सहन हो जाता है ऐसा पेन है. जस्ट लाइक वैक्सिंग इट में कॉज सम बम्स एंड रेडनेस टू. जैसे वैक्सिंग में बम्स और रेडनेस हो जाता है वैसे इसमें भी हो जाता है, इसलिए इसको मैं रात को करना प्रेफर करती हूँ. इफ इट इरिटेट्स यू देन यू कैन यूज आइस पैक, बट आई एम यूज टू इट. So I only use toner and thermal spring और मैं अपना usual night skin care करती हूँ and I am good to go. तो आप देखते हैं कि मैं इसको करती कैसे हूँ. Now I am going to show how to use this epilator by doing everything in action. First and the most important step that I want to mention is to keep your hair completely tied. Use a hairband like so or hair clips or whatever you have at home, but keep your hair tied because if by mistake your scalp hair came in contact with epilator, then you have to cut your hair because they will stuck in epilator. Yes, I have this weird unwanted hair under my chin. I am not perfect. Nobody is. Initially, I was ashamed of this unwanted hair, but now a lot of people DM me regarding this. I feel I am not alone. A lot of people are facing this problem. Another important step to get that smooth and hair-free skin is exfoliating. Especially for those who have ingrown hair, it will be helpful. So before epilating, one can do exfoliating or scrubbing. It will make the epilating process more easier and prevent ingrown hair too. Also, don't apply any kind of lotion or oil before epilating. Even you shouldn't be sweating. Make sure that your skin is all clean and dry as well. और हमारी स्किन जितनी ड्राई होगी, क्लीन होगी, उतना ही सही रहेगा. तो ऐसा नहीं कि आप गीले फेस पे ही एपिलेटिंग करना स्टार्ट कर दो, उस पर भी थोड़ा मुश्किल होता है. तो ऑयल, लोशन, स्वेटिंग, गीला कुछ भी नहीं होना चाहिए. फेस जितना ड्राई होगा उतना ही अच्छे से एपिलेटिंग हो पाएगी. ऑल्सो व्हेन यू आर एपिलेटिंग, मेक श्योर द स्किन इज पुल्ड टाइट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टॉन स्किन अलाउज एन ईजियर टाइम फॉर द हेयर टू बी पुल्ड, लोअरिंग द चांस ऑफ ब्रोकन हेयर. All we need is lightly stretch the skin so that the epilator can pull unseen hair too. Starting from the outwards to inwards, like I started from my neck to chin and sides of my face to the center of my face. Everyone tells to hold the epilator perpendicular.
The epilator should be used in opposite direction that the hair grows, not in the same direction. So feel the hair and look at the growth to determine which direction the hair is growing. I will suggest hold it sidewise on your face and drag it. Epilator करते time आपको अपने skin को अच्छे से tight पकड़ना है और जो hair growth है उसकी opposite direction में epilator को चलाना है. One need to go slow and steady. We can't do it in a hurry. After I am done with the epilating process, I usually use my clinic toner to close my pores. Epilating जब हम करते हैं तो बाल निकल जाने की वजह से pores खुले रह जाते हैं और उन pores को बंद करने के लिए मैं toner का इस्तेमाल करती हूँ. और हम redness, bump और pain को कम करने के लिए ice pack भी काम में ले सकते हैं. मुझे आदत हो गई है तो इसलिए मैं toner और thermal spring काम में लेती हूँ और अपना usual night skin care करती हूँ. This thermal spring does magic to me. It reduces the redness and soothes my skin too. I will mention all the products that I am using in the description box below. You can check there also. और अब हाइजीन मेंटेन करने के लिए मैं एपिलेटर को क्लीन करूंगी. एपिलेटर के साथ एक छोटा सा ब्रश मिलता है. उस ब्रश से पहले हम सारे हेयर निकाल देंगे और फिर रबिंग अल्कोहल को इस तरीके से कॉटन पैड पे लेके मैं एपिलेटर को क्लीन करूंगी. ये मैं पहले ही नहीं करती थी बट अभी रिसेंटली मैंने करना शुरू किया है. हमारे फेस को क्लीन और हाइजीनिक रखने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है. एंड एट द एंड व्हेन द मिस्ट इज कम्प्लीटली सोक्ड इन आई अप्लाई माई यूजुअल नाइट स्किन केयर मॉइस्चराइजर. आई हैव अ रिक्वेस्ट हेयर दैट I am shooting these videos either in the early morning or late nights because I have a baby too, so I don't have time in day. I would really love if you appreciate my hard work by giving a thumbs up to this video. It will motivate me further. And the people who are new here, I would request them to subscribe to my channel and press the bell icon for the further updates. I will keep bringing these type of unapologetic videos on my channel further. And now it's time to say goodbye. Thank you so much for watching and all the love and support you're giving me. So meet you in my next video. Till then, stay happy and stay beautiful. Bye bye.